हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई हिमांशु फिर से आ गया हूँ दूसरे व्लॉग में। आज कॉलेज चलते हैं और आपको बाहर स्नो का दिखाता हूँ। स्नो का व्यू कितना अच्छा हुआ हुआ है। लास्ट वीक स्नो गिरी थी तो अब व्यू बहुत अच्छा आया हुआ है स्नो का। रोड साफ कर रखे हैं और आपके साइड में जो पार्क हैं और पार्किंग स्पेस, उनमें स्नो काफ़ी अच्छी लगती है। चलो चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। तो चल पड़े हैं। अब कॉलेज की तरफ। अब आपको जैसे मैं बोल रहा था व्यू दिखाता हूँ। देखो साइड के पार्ट्स पे कैसे स्नो इकट्ठी हुई है, जो कि काफी अच्छी लगती है। अभी आगे पार्क भी आएगा, उसका भी दिखाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है उसका भी स्नो में होने के बाद। अगर आपको अभी भी दिख रही है तो अभी भी हल्की छोटी छोटी स्नोफॉल हो रही है। देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पार्क का व्यू बहुत अच्छा होगा। ये देखो, स्नो का टाइम बहुत ही अल्टीमेट व्यू हो जाता है पार्क का। पूरा ग्राउंड वाइट लेयर में कन्वर्ट हो हुआ है। सात आठ इंच स्नो आराम से है और यहाँ कॉर्नर्स पर ज़्यादा है, क्योंकि ये साफ करके मशीन्स वगैरह ने साइड में डाल रखी है। ये देखो, जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी वहाँ तक सब वाइट। टेनिस ग्राउंड जो कि बंद हो रखा है, बिल्कुल स्नो में कवर्ड है। काफी खुली जगह है और फिर आदमी भी व्यू इतना अच्छा देख के काफी अच्छे खुश हो जाते हैं। चलते हैं कॉलेज की तरफ। ये देखना, ये जैसे अपने वहाँ बरसाती नाले होते हैं तो वैसा है। इसका व्यू भी कितना अच्छा हुआ हुआ है। स्नो में पानी बैठा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ व्हाइट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ ये बिल्कुल जमा हुआ है। काफी अच्छा हो जाता है, काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पहुंच गए, बस
बाकी बाद में मिलते हैं, क्लास ओवर होने के बाद। क्लास ओवर हो गई है तो अभी मीठा खाने का पता नहीं आज क्यों मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो सोचे आज कुछ मीठा खा के आए, फिर आपको बताते हैं कैसा क्या कुछ है। ये पीछे यूनिवर्सिटी है, चलो फिर चलते हैं अपने इंडियन द विलेज ऑफ इंडिया पे ही चलते हैं, टिफिन भी ले लेंगे और स्वीट्स भी। खाने की क्रेविंग हो रही थी आज तो, और कहीं तो सोचा नहीं, क्योंकि विलेज ऑफ इंडिया से मैं टिफ़िन लाता हूँ तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं की स्वीट्स ट्राई करें। अब आपको अंदर दिखाते हैं आज क्या क्या है स्वीट्स में इनके पास, तो मैं अपना टिफ़िन भी ले आया एंड जो मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी दो तीन स्वीट डिश भी ले आया। घर जा के बताता हूँ मैं कौन कौन सी स्वीट डिश लाया हूँ और उनका टेस्ट कैसा है, और इंडिया में अच्छे थे यहाँ अच्छे हैं वो भी बताएंगे आपको। चलो चलते हैं घर पे। मौसम काफ़ी कभी सनी हो जाता है कभी एकदम क्लाउडी, क्योंकि सूरज एकदम बादलों में पीछे हो जाता है तो मौसम अलग चेंज हो जाता है। बाकी वाइट लेयर में अच्छा लगता है, जहाँ देखो आपको हर जगह वाइट लेयर दिखती है। तो हम आ गए हैं घर पे, अब आपको मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या लाया हूँ और आज खाने में भी क्या क्या मिला है और स्वीट डिश में क्या क्या है। ये देखिए आज कढ़ाई पनीर, कोफ्ते, रोटी अभी लंच में खाऊंगा, और स्वीट डिश में जैसे मैं कह रहा था मेरे को आज मीठा खाने का ज़्यादा मन हो रहा है तो मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई लाया हूँ। अब आपको खा के बताता हूँ कि कैसा लगा, तो मैं आपको खा के बताता हूँ कि कैसे हैं। मूंग दाल का हलवा सही में अच्छा है, गुलाब जामुन भी काफ़ी टेस्टी है। अब ट्राई करते हैं एंड में रसमलाई। ये भी काफ़ी अच्छी है, पर अगर हम इन चीज़ों की इंडिया से कंपेयर करें तो फिर इंडियन स्वीट्स ज़्यादा हैं। हाँ ये आपको अच्छी स्वीट्स मिलती हैं पर आपको इंडियन टेस्ट के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। इंडियन स्वीट्स जो जहाँ की स्पेशल है वहीं की फेमस है तो अच्छी हैं, ऑब्वियस है, पर वो वहाँ वाली जो बात है ना वो नहीं आ पाती है। चलो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, बाय।